हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। मैं घनश्याम तोमर आपके अपने चैनल स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में जो पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक और कांस्टेबल की जो रिक्वायरमेंट होने वाली थी, उसका एक नोटिफिकेशन आया है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम देखते हैं कि वो नोटिफिकेशन क्या है। दोस्तों, तो जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं, वो लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले बेल आइकन के थ्रू मिलता रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट देखते हैं। तो दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पर आप, यहाँ पर लिखा हुआ है पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत उप निरीक्षक कंप्यूटर प्रधान आरक्षक आरक्षक वर्ग संवर्ग की भर्ती हेतु परीक्षा 2019 परीक्षा संचालन एवं नियम पुस्तिका 25/10/2019 चालू होगा आवेदन। और यहाँ पर जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि होगी 24 नवंबर को होगी, और संशोधित तिथि 25 से चालू हो जाएगी, और आवेदन संशोधित करने की अंतिम तिथि 29/11/2019 रखी गई है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, फीस क्या रखी गई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए, केवल मध्य प्रदेश मूल निवासियों के लिए यहाँ पर फीस रखी गई है। दो प्रश्न पत्र के लिए 700 रुपये, एक प्रश्न पत्र के लिए 500 रुपये, और यहाँ पर दो प्रश्न पत्र के लिए 350, एक प्रश्न पत्र के लिए 250 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आवेदन ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने के वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क ₹70 देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क ₹40 देय होगा। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या क्या है नीचे। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी, यहाँ पर समय सारणी दी गई है। परीक्षा दिनांक दिया गया है, परीक्षा दिनांक 30/12/2019 से 29/1/2020 तक चलेगी, प्रातः 7:30 बजे से। और यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं, 8:30 बजे 8:50 पे से 9 बजे तक आपको पहुँचना होगा महत्वपूर्ण वहाँ पर सेंटर में। और उत्तर अंकित करने का समय, जो आपका टेस्ट प्रारंभ होगा, वो 9 बजे से 11 बजे तक चलेगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं, प्रधान आरक्षक के लिए 30/12 से ही चालू होगी, 29 तक ही चलेगी, लेकिन उसका जो रिपोर्टिंग का टाइम है 1:30 बजे रहेगा। और जो एग्ज़ाम चालू होगा 2:50 से 3 बजे तक आपको रिपोर्ट करना है। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम जो है 1:30 बजे रहेगा। और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय यहाँ पर 2:50 से 3 बजे तक रहेगा, और जो एग्ज़ाम चालू होगा आपका वो 3 बजे से 5 बजे तक चालू होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे पढ़ते हैं, परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग के समय 30 मिनट के पश्चात तक परीक्षा केंद्र में परीक्षा की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। परीक्षा कक्ष में मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा, वाइटनर आदि का उपयोग वर्जित है। तो दोस्तों, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं मैम, और इसके बाद भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस मुख्यालय गृह सचिव विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर प्रधान आरक्षक आरक्षक संवर्ग भर्ती हेतु 19 परीक्षा 2019 विषय सूची दी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अध्याय पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर प्रधान आरक्षक कंप्यूटर आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु परीक्षा 2017 हेतु विभागीय ने जो नियम थे वो नियम यहाँ पर बताए हुए हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली दिया हुआ है। यहाँ पर परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है 49वें नंबर पेज पर, अन्य प्रारूप यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं आपके दोस्तों, ये रही पोस्ट, यहाँ पर दिखाई गई है आरक्षक GD, आरक्षक चालक और आरक्षक कुक, यहाँ पर सभी पोस्टें दिखाई गई हैं दोस्तों। तो इसका मैं PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आरक्षण तालिका दी गई है। आरक्षण तालिका के पदों में महिला उम्मीदवारों के लिए रिक्त पद हैं, यहाँ पर बताया गया, आरक्षण संबंधी नियम दिखाए गए हैं। और नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर
यहाँ पर दिया गया है नोट, मध्य प्रदेश गृह सचिव विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक इतने इतने 31 जनवरी 1996 के द्वारा स्वयं सेवी नगर सैनिकों को पुलिस आरक्षक की भर्ती में 15% आरक्षित पद आरक्षित रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आरक्षण संबंधी जो नियम है आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और आगे हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक चीज़ लिखी हुई है, ऐसे अभ्यर्थियों जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदे हुए तो अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई लाभ नहीं मिलेगा। उनकी आयु सीमा 1 नवंबर 2019 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनकी जो आयु सीमा है उसे 25 वर्ष रख दिया गया है, 25 वर्ष से ऊपर नहीं होगी उनकी आयु सीमा। 1 नवंबर 2019 से उनकी जो आयु सीमा 25 वर्ष से अधिक नहीं होगी। किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी मूल निवासी पत्र अनिवार्य होगा। अगर आरक्षण चाहिए किसी भी प्रकार का तो उसके लिए मध्य प्रदेश का मूल स्थायी निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेतनमान पदनाम जो दिया हुआ है, आरक्षण संवर्ग के लिए 5,200 से 20,200 रुपये, ग्रेड पे 1900 दिया है। प्रधान आरक्षक के लिए 5,200 से 20,200 और जिसका ग्रेड पे है वह 2100 रुपये दिया गया है। इसी प्रकार सहायक उप निरीक्षक के लिए 5,200 से 20,200 रुपये दिया गया है और ग्रेड पे 2400 रुपये दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पर चलिए नीचे देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आयु सीमा दी हुई है, अभ्यर्थियों की आयु सीमा 1 नवंबर 2019 को 18 वर्ष से कम एवं 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो आयु सीमा यहाँ पर 25 वर्ष रख दी गई है, अगर उम्र में छूट चाहिए तो आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जैसे OBC SC ST वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जनरल की जो आयु सीमा रख दी गई है वह 25 साल रख दी गई है, निर्धारित आयु सीमा 25 वर्ष रख दी गई है, उससे ज़्यादा आपकी आयु सीमा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर एक बड़ा जो जनरल वाले कैंडिडेट उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, यहाँ पर दिखाया हुआ है जो अभी जो संशोधन हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 3/8/2016/3 भोपाल दिनांक 5 जून 2019 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना अनुसार की जाएगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा से भरे जाने वाले पद की न्यूनतम 21 से 28 वर्ष रहेगी और जो बाहर के हैं अभ्यर्थी 21 से 25 वर्ष रहेगी। यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाया हुआ है दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा। और जो ये आवेदन का जो PDF है काफ़ी लॉन्ग है तो इसको आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो न्यूनतम अर्हताएँ दी हुई हैं, आरक्षक GD के लिए 10+2 के अंतर्गत 10वीं की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी के समकक्ष उत्तीर्ण की गई हो, और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति है तो शैक्षणिक अर्हताएँ 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो, यहाँ पर बताया गया है 8वीं के समकक्ष। और आरक्षक चालक के लिए 10+2, आरक्षित अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो अर्हताएँ हैं 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं की परीक्षा कम से कम उत्तीर्ण की हो, और अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं की परीक्षा या उसके समकक्ष, यहाँ पर इसका क्वालिफिकेशन दिया हुआ हो दोस्तों। नीचे चलते हैं, आरक्षक ट्रेड, यहाँ पर आरक्षक ट्रेड में कुक, नाई, धोबी, मोची, वाटर कैरियर, स्वीपर, मेशन, बिगुलर 10+2 के अंतर्गत 10वीं की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो, और अनुसूचित जनजातियों के लिए फिर से 8वीं की कक्षा उसे यह समकक्ष होना चाहिए। आरक्षक रेडियो के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, आरक्षक रेडियो के लिए 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो या उसके समकक्ष, और अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं या उसके समकक्ष होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर और सारे जो क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं आप उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता में छूट के लिए बताया गया है दोस्तों, यहाँ पर तो यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी, किंतु अपवादित मामले में समिति नियुक्ति पदाधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थियों को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खंड में विवाहित अर्हताएँ में से कोई अर्हता नहीं हो, किंतु जिसने अन्य संस्थानों द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में विद्यार्थियों को परीक्षा चयन के लिए पात्र समझती हो। ऐसी समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा
चयन समिति चयन में सम्मिलित कर सकेगी जो अन्यथा अहर हो, किंतु जिन्होंने विदेशी विद्यालय से उपाधि प्राप्त की हो जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त ना हो, यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थियों को छूट नहीं दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो यही चीज़ आपको बतानी थी, यहाँ पोस्ट दी गई हैं कहाँ कहाँ सीटें खाली हैं। तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और दिखाता हूँ। तो दोस्तों जल्दी से PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिए दोस्तों। पुलिस की नोटिफिकेशन आ गई है और इसका 25 अक्टूबर से इसका फॉर्म फिलअप चालू हो जाएंगे और 24 नवंबर तक चलेंगे। तो यदि वीडियो आपको लास्ट में अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए। और जो लोग चैनल में पहली बार थे वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। व्हाट्सअप, फेसबुक में हर जगह इसको शेयर करिए जिससे जानकारी सभी लोग तक पहुँच सकें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।